यार ये लोग जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ये सारे मेरे वो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यू नो एक बॉक्सी बॉयज जो हमारी टीम है उसका जो ओनर है बॉक्सी बॉयज का दिलीप, सो ये पार्टी उन्होंने रखी है एंड उन्होंने मुझे बोला था कि फ्रेंड का रेस्टोरेंट है एंड इट्स वेरी नाइसली डन. बहुत ही एक पॉजिटिव एम्बियंस है जगह का. सो हालांकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई में खुलते रहते हैं यू नो एंड बट बहुत कम जगह हैं जो मुझे पसंद आती है. बट आई थिंक आई लाइक दिस प्लेस एंड छोटी है बट बहुत पॉजिटिव है और वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की. सो आई एम श्योर ये जगह यू नो चलेगी एंड पीपल विल लाइक इट. एंड बहुत ही एक ऐसी जगह पे है एरिया जो है अंधेरी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड अच्छी यू नो लोग रहते हैं जो खाने पीने के शौकीन हैं वो लोग आएंगे आई एम श्योर. एंड पार्टी है, गेट टुगेदर जब भी फ्रेंड्स सारे मिलते हैं मस्ती बहुत सारी होती है. सो आई एम श्योर बहुत सारी मस्ती होगी, नाच गाना होगा. या मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई प्लेस नहीं है बट बिकॉज मैं बहुत बड़ा बुकर हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, सो कहीं भी जहाँ मुझे अच्छा खाना मिल जाता है आई एम यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. सो ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जहाँ भी मुझे खाना दे दोगे मेरे लिए मैं खुश हो जाता हूँ. टुडेज पार्टी, दिस पार्टी इज एक्चुअली बॉक्सी बॉयज एंड मी दिलीप शब्बीर. We are the founder members and the boy over there actually, you know, that my son, it is his, he's given the name, you know, Boxy Boys, so it's good fun. Itne saare, itne dino baad mil rahe sab log, it's fantastic. Yeah, this place is beautiful, very nice, the music is good, every ambience is good, also a lot of people, fantastic. आई थिंक और बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं और एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज सो गुड बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन जॉब्स एंड व्हेनेवर दे गेट टाइम सो इट्स ऑलवेज गुड. सी वी आर चिट चैटिंग फॉर सो लॉन्ग तो समझ में नहीं आता कि इधर से उधर जाएं बिकॉज मोमेंट यू गो देयर यू गेट बिजी देयर दैट साइड यू गेट बिजी देयर सो लाइक यू कैचिंग अप विद ओल्ड फ्रेंड्स. It's very nice and it's very close to my place, so it's nice. I'm doing television right now. I'm doing Balaji's show and films right now. So I'm quite busy with that. And if something comes, surely you'll get to know about it. Thank you. देखिए बॉक्सी बॉयज इज अ टीम दैट हैव बीन देयर फ्रॉम द इंसेप्शन. जब शुरुआत हुई थी इनकी कुछ 5 साल पहले आई थिंक, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक विद द होल टीम अगेन एंड इट्स अ नाइस एम्बियंस, अच्छी जगह है और मस्ती जैसे हमेशा हर को बहुत लोग बहुत सालों के बाद कुछ लोगों से मिले हैं, बहुत दिनों के बाद कुछ लोगों से मिले, असली मस्ती मजाक का मौका मिलता है. मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट आई लाइक द फूड इज वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा है एंड इट्स गॉट अ गुड जिससे यू हैव एन इनसाइड प्लेस एंड एन आउटसाइड प्लेस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा है. थैंक यू. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू सोहो तापस बार एंड आई हैव मेट रियली ओल्ड फ्रेंड्स आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड दैट जस्ट एड्स टू द जॉय ऑफ बीइंग हियर. इट्स अ वंडरफुल प्लेस. यस द वेन्यू इज वंडरफुल, सो इज द डिजाइन. आई थिंक दिस पार्ट ऑफ टाउन सोरली नीडेड अ प्लेस लाइक दिस. बहुत एक्साइटेड. इट्स ऑलवेज गुड. या बॉक्सी बॉयज इज इंडस्ट्री टीम और अगर आप टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे दिस इज अ टीम इन विच यू ऑलवेज आर इन्वॉल्व. एंड दिलीप अग्रवाल इज आर मैनेजर, आर कोच, ही इज द मैन हु गेट्स अस टुगेदर. तो आज फील्ड की जगह उन्होंने हमें यहाँ पे पार्टी पे बुलाया. हमारे लोग फील्ड पे हो या पार्टी में हो, पार्टी पार्टी होती है. नहीं यार, यहाँ पर तो मेजरली वी आर जस्ट फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर. हम लोग ऑन फील्ड क्रिकेट खेलते हैं बॉक्सी बॉयज की जो टीम है. ऑफ द फील्ड हम लोग सोचते हैं कि यार जितना क्रिकेट में मजा आता है उतना ऑफ द फील्ड भी मजा आना चाहिए. दैट्स द रीजन व्हाई वी गेट इलेक्टेड. Oh, I love it. Yeah, this is very close to home. वर्सोवा के पास में हम लोग सब यहाँ आस पास ही रहते हैं. सो अच्छा है, बस तड़क के आ गए यहाँ पे. कुछ नहीं, प्रो कबड्डी इज अबाउट टू स्टार्ट, कीप वॉचिंग. असली पंगा क्या पूछोगे? रोलिंग है, इज इट रोलिंग?
बॉक्सी की पार्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं सब बॉक्सी के प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो सिर्फ मैचेस में मिलते हैं वो आज बहुत दिनों बाद पार्टी में मिल रहे हैं. हैविंग अ गुड टाइम, लविंग इट. थैंक यू. वेन्यू ऑसम, वेन्यू ऑसम, बियर ऑसम, फूड लव इट. Yeah. Obviously, it's a reunion kind of thing because we started this team around 10 years back, and I was one of the person who started this. And now we completed 10 years, so it's obviously it feels nice as now so many people are the member of this team, and they all get their dates today. So that's how we are in this party and all. But it's fun to be here and meeting all of them after a long time. So enjoying it. Obviously, it's not. You know, the bridging is now easier. Earlier, you know, if you are doing TV, then you can't do films. This term was there, but nowadays it's quite easy. And if you have talent and if you have the passion towards acting, obviously people are there who can take you in the film. So it's good for the industry basically. You get good actors from television, you can use them in films also. And vice versa, films actors are doing TV, so both industries are flourishing. Next is releasing is Mohenjo-daro, which is releasing on 12th of August. Please go and watch it. I have a small tiny role, but very important, so you can watch this. And after that, there are around 2-3 releases this year. Few Marathi, few Hindi. So looking forward. It's our we have been part of Boxy Boys forever, and this is the best get together we have every year. So we are extremely thrilled. Sab log kaam kar rahe hain, everyone is working, but we make time, and I think this is the best party to be a part of for us boys, and we are loving it. I am doing this show called Jamai Raja right now, so I'm already on screen right now. बहुत ही प्यारा अनुभव है, क्योंकि पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, मिस कर गया था, शूट पे था, पर यहाँ अपने सभी दोस्त हैं और इतनी अच्छी पार्टी करते हैं सब साथ में मिलके. और इस बार तो ऐसा था कि आना ही है, इस बार मिस नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहले से ही प्लान कर दिया था कि आज सब कुछ कैंसिल, आज पार्टी करेंगे. और बस इतना मज़ा आ रहा है, सब लोग आज मिले हैं एक साथ, अच्छा लग रहा है. मम्मा बोल रहा है काशी बहुत ही अच्छी चली, और प्रियंका चोपड़ा जी ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान में उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और हम लोगों को एक और ऊंचे स्टेप पे पहुंचा दिया बम्बम बोल रहा है काशी ने, तो बहुत खुश है हम लोग बम्बम बोल रहा है जी. आने वाली फिल्म है अभी निरहुआ चलल ससुराल, ईद पे रिलीज होगी, उसके बाद आ रही है राम लखन, और राम लखन के बाद आएगी मोकामा 0 किलोमीटर, और उसके बाद आएगी बेटा. ये पार्टी स्पेशली अपने बॉक्सी बॉयज के लिए है, टू गेट ऑल द बॉक्सी बॉयज टुगेदर एंड यूनाइट एंड फॉर्म अ वेरी गुड टीम, एंड दैट्स द स्पिरिट व्हाट दिलीप हैज टोल्ड अस ऑलवेज टू डू आवर बेस्ट, एंड दैट्स व्हाट वी हैव कम टुगेदर, एंड वी जस्ट वांट दैट ऑल द प्लेयर्स शुड कम एंड गिव देयर बेस्ट बाय
naturally when we are together in the party, you come to know each other, and that's how we are planning. आगे जाके भी हम लोग सब मिलके खेले और हमेशा हम लोग we win, and that's what is our aim, to get Boxy Boys on the top. Cele party, it's nice. I think it's nice. Quite a feasible amount. Like if you come into this area, it's nice, nice place. Yeah, any plan to come back to school? Here? Yeah, definitely. Why not? Let's try the other way because today is a cele party and we all are. So I don't have a doubt, but next time definitely I'll try and see it. Great man, I'm back with my friends. So many dosts there, we all hang out quite a bit together. And good to meet them on a social evening like this. EuroCup is on as well, so good to watch the games together. Looking forward to a fun evening. Sorry? My next project? But, you know, my next project right now is I'm doing a film called Hame Tumse Pyar Kitna. It was very enjoyable to be part of a successful film like Houseful 3. And looking forward to being part of cinema further. So doing this film called Hame Tumse Pyar Kitna, which is a suspense thriller, a love story, and eager for the film to release. So fingers crossed, but tonight it's all about fun. So no work talk, only chatting with buddies. Cheers. सब दोस्त लोग मिल रहे हैं यहाँ पर एवरीवन्स क्रिकेट लवर एवरीवन लव्स टू प्ले क्रिकेट तो हम लोग जब मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि साथ में मिलकर सब क्रिकेट खेलें नथिंग मतलब हमारे टीम में सभी प्लेयर्स जो है बहुत मस्त है सब अपना गेम एंजॉय करते हैं सो व्हेन वी प्ले इट्स लाइक अ कार्निवल थैंक यू